देखो साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों ने तय किया था 11 से 15 हम है प्रभारी जी ने आज उस पर आज यहाँ से यात्रा उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी से धन्यवाद वो थैंक्स गिविंग और आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। निश्चित तौर से ये बहुत ही कार्यकर्ताओं के साथ एक जूनियर ने काम किया, हमारे लोगों ने मेहनत किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना, उनको आभार उनको व्यक्त करना, इसके तहत आज सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। यही तीन बड़े नेता शामिल रहेंगे? नहीं, ये रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, हम रहेंगे, सब पूरे प्रदेश के लोग रहेंगे, हमारी सीएलपी लीडर सब लोग रहेंगे, सब चल के वहां मिलेंगे और पूरे प्रदेश में ये 403 विधानसभाओं में ये पूरा थैंक्स गिविंग और आभार यात्रा चलेगी। देखिए, ये सरकार सबको लेकर चलने वाली सरकार है नहीं, ये साफ हो गया। इनके यहाँ सबको न्याय नहीं मिल सकता, ये न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के, न ईसाई के। जब अयोध्या हार गए, भगवान राम के दरबार में हार गए, काशी में बुरी तरीके से हार रहे थे, घसीटते घसीटते लंगड़ते लंगड़ते चुनाव जीते, तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये इनको कहीं भी इनको मिलने वाला नहीं है कोई भी महत्व। ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो इनकी जिस जो ये लेकर चले हैं अपने एजेंडे को, उस एजेंडे को सेट करना चाहते हैं, पर देश की जनता ऐसे एजेंडे को पसंद नहीं करती। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरएसएस से भी अब टकराव देखने को मिल रही है, मोहन भागवत मणिपुर को लेकर के बयान दे रहे हैं कि अब शांत हो जानी चाहिए, चीजें बेहतर हो जानी चाहिए। ये सब दिखावटी टकराहट है, आरएसएस और बीजेपी एक चने के दो दाल हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आरएसएस में मोदी जी ने सीखा है, जो मोहन भागवत जी ने उनको सिखाया है, उसका क्रियान्वयन वो कर रहे हैं चारों तरफ, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, अपने मंत्रिमंडल में भी वही किया है, मणिपुर में वही कर रहे हैं, पूरे देश में वही काम कर रहे हैं।